नमस्कार, इस समय हम जम्मू के मेडिकल कॉलेज के मार्चरी रूम के बिल्कुल बाहर एक दुखद समाचार, जिस तरह से एक इनोवा ड्राइवर जिनका नाम मंगल सिंह जी था उनका संदिग्ध परिस्थितियों में शव मिला और लगातार सोशल मीडिया के माध्यम से खबरें आ रही थी किस तरह से कुछ लोगों द्वारा यानी अज्ञात लोगों द्वारा उनका अपहरण किया जाता है और फोटोएं लगातार सोशल मीडिया पर वायरल हो रही थी। अगर बात करें यूपी बिहार में इस तरह की स्थिति हम देखते थे, पर हमारे जम्मू में भी अब इस तरह की स्थिति जो है उत्पन्न हो रही है। किसी का भी अपहरण किया जाता है और उन्हें जाकर उनका उनकी निर्मम हत्या कर दी जाती है और लगभग लगातार सोशल मीडिया पर खबरें चलने की बात अगर बात करें तो कल की बात है कि मंगल सिंह जी का शव मिला है और इस समय देवेंद्र राणा जी भी इनके दुख में शरीक होने यहाँ पर पहुँचे हैं। आप देख रहे हैं देवेंद्र सिंह राणा जी, इनसे जाने का प्रयास करेंगे। इस तरह की जो देवेंद्र सर एक दुखद समाचार है, पर ये बाहर हम राज्यों में सुनते थे इस तरह के हालात, अब जम्मू में भी इस तरह के हालात उत्पन्न हो रहे हैं। देखिए, ये एक बहुत ही दुखद वारदात है और एक नौजवान बच्चा है, उसने अपनी जान खो दी है और लेकिन मैं जो चला गया उसकी भरपाई नहीं हो सकती। ये एक सदमे की घड़ी है, सारा इलाके में एक सदमा और एक शॉक सा हो गया है। लेकिन जम्मू कश्मीर पुलिस ने जिस तरह से तहकीकात करके 4-5 दिन के अंदर अंदर उस गैंग को गिरफ्तार किया और जाके हरियाणा में गिरफ्तार किया, मैं जम्मू कश्मीर पुलिस को इसके लिए बधाई देता हूं। और मैं ये समझता हूं कि इस वारदात से एक हमारा भाई तो चला गया लेकिन उन गैंग्स को भी इबरत हो गई कि जम्मू कश्मीर पुलिस में और जम्मू कश्मीर में के होते हुए ये वारदात यहाँ नहीं होंगे। और अब हमारी ये कोशिश होगी और सरकार से भी यही इल्तजा होगी कि इन लोगों को सख्त से सख्त सजा दिलवाई जाए, प्रोसिक्यूट किया जाए और हम सब लोग ये इंश्योर करेंगे कि इंसाफ जो है उस बच्चे को मिले जिसके साथ ये हत्या हुई। और परमात्मा करे कि उसके परिवार को ये सदमा बर्दाश्त करने के लिए कुव्वत दे और उस परिवार को इस सदमे को बर्दाश्त करने की हिम्मत दे। परमात्मा से यही हमारी वही परमात्मा से हमारी अरदास है, परमात्मा से हमारी विनती है। बिल्कुल, एक दुखद समाचार हमने बताया आपको पहले भी कि किस तरह से यहाँ पर परिजन दुख में शोक में डूबे हुए हैं और ये पहली बार नहीं, कई बार इस तरह की परिस्थितियाँ उत्पन्न हो रही हैं। पर ये ज़रूर कहेंगे इस केस की अगर बात करें मंगल सिंह जी की, भगवान उनकी आत्मा को शांति दे, पर पुलिस ने तीव्रता कार्रवाई करते हुए उस गैंग को पकड़ लिया। अब ये सामने पूछताछ के बाद ही आएगा कि क्या गैंग, इस गैंग ने पहले भी किसी का इसी तरह से उन्हें अपहरण करके उनकी हत्या की है। ये मामला पूरा मैटर ऑफ इन्वेस्टिगेशन पर एक परिवार का सदस्य गया है। हम ये चीज़ें यूपी बिहार में इस तरह की चीज़ें सुनते थे, पर अब और आपने देखा यहाँ पर देवेंद्र सिंह राणा और पूरा यहाँ पर जो समाज के लोग यहाँ खड़े हैं, चलिए इनसे भी जाने का प्रयास करेंगे, मंगल सिंह जी के सर से ही जानते हैं। सर, एक दुर्भाग्यपूर्ण एक घटना हुई है ये जम्मू में। हम ये चीज़ें बाहर सुनते थे, किसी का अपहरण करना या इस तरह से उनका निर्मम हत्या कर देनी उन्हें अपहरण करके, अब जम्मू कश्मीर में ये चीज़ें उत्पन्न हो रही हैं। ये जम्मू कश्मीर में जो है ये बाहर के ही लोग आए हैं, जम्मू कश्मीर के नहीं है। इन्होंने कोई इनका मोटिव और था, सिर्फ उस बंदे को किडनैप करना नहीं था। इन्होंने जब यहाँ से उठा के उसको लिया, रास्ते में उसको लगता है जैसे कि मार दिया। उसके बाद जब मुझे सरपंच साहब हैं, इन्होंने मुझे जब पता किया तो पंजाब के SSP जो हैं इधर पठानकोट के ढिल्लन साहब, जोगिंदर सिंह ढिल्लन, उनसे मैंने फौरी तौर पर मैसेज भेजा उनको कि ये सभी कंट्रोल रूम में JNK का जो वारदात है ये हिमाचल में भी कर दो, सारे जगह कर दो, नाकाबंदी कर दो। तो SSP जो ढिल्लन साहब हैं, जोगिंदर सिंह ढिल्लन, उन्होंने फौरी किया। फिर उसके बाद मैंने जो हरियाणा के DG साहब हैं, पुरी साहब, उन्होंने बात CS एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट मैंने अप्रोच किया, उन्होंने भी कहा कि हम भी जो हैं सब करते हैं ऐसे, इसको फौरी तौर पर एक करते हैं। और उसके बाद JNK पुलिस के साथ पंजाब पुलिस का, हरियाणा पुलिस का बहुत ही सहयोग रहा और DG साहब जो पुरी साहब हैं, उन्होंने जब मैंने कहा तो उन्होंने सब जगह जो है ना ये कंट्रोल रूम जितने हैं मैसेज दिया, उस वजह से ये पकड़ पाए। और SSP जो ढिल्लन साहब हैं, इन्होंने तो काफ़ी इंटरेस्ट लिया जब मैंने उनको बताया। तो ये है हमारे साथ हैं सरपंच जी, ये इस वारदात के साथ
और जो मसले हैं मैं उनसे भी रिक्वेस्ट करूंगा, जेएनके के जो डीजी साहब हैं इनसे भी रिक्वेस्ट करूंगा कि ये तय तक जाके बाकी जो मसले हैं इन मुलजिम कोई नए नहीं है, इन्होंने हजारों ऐसे काम किए हैं और ये पकड़े जाएंगे। फिर सिर्फ जेएनके का ये एक मर्डर का मसला नहीं है, बाकी भी सारे हैं और इसके लिए मैं भी इनसे अप्रोच करता रहूंगा और पुलिस की और आपकी मीडिया का भी सहयोग रहा तो ये हो जाएगा और इसके लिए तय तक जाने से कई मर्डर जो है उनकी छानबीन हो जाएगी। ये जो मामला अभी जो इतनी बड़ी घटना हुई है, आपको क्या लगा किस तरह से ये इन आरोपियों के हौसले बुलंद है कि बाहर से आकर हमारे जम्मू कश्मीर में इस तरह की वारदात को अंजाम दे रहे हैं? देखो ये थोड़ी हमारी गवर्नमेंट की भी लटरमस्ती है, इन्होंने 370 तोड़ी ना, जो इसमें इन्होंने कुछ ऐसा भी कानून रखना चाहिए कि जो बाहर से लोग आते हैं ये अपनी मनमर्जी ना करें। बिल्कुल, ये हमारे लोगों को मारने के लिए है या इधर बचने के लिए है, ये बहुत खराबी हो रही है। हम ये चाहते हैं कि इनको पर सख्त से सख्त आगे कार्रवाई की जाए और दूसरा ये है कि ये जो पुलिस है अच्छी तरह इनकी इंस्पेक्टर करे, इनको तस्वीर करे जो के इनकी सख्त सख्त फांसी सजाओ। बिल्कुल, इस समय आप तस्वीरों में साफ देख रहे हैं, एक दुख का माहौल है, गम का माहौल है और बताना चाहेंगे आपको जिस तरह से मंगल सिंह जी को जो एक गैंग के द्वारा उनका अपहरण किया जाता और उसके बाद उनकी निर्मम हत्या कर दी थी, वो गाड़ी और हरियाणा में गाड़ी जो थी हरियाणा में, फिलहाल ये जरूर कहेंगे कि हमारी जम्मू कश्मीर पुलिस ने तीव्र कार्रवाई बताई है, उन गैंग को दबोचा है। अब क्या क्या निकल कर आता है आने वाला समय बताएगा। फिलहाल अभी तक की जो बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं कि हमारी जम्मू कश्मीर पुलिस को ये श्रेय जाता है जिन्होंने तीव्रता से कार्रवाई की है और उस गैंग को तुरंत दबोचा है। अब आने वाले समय में क्या निकल कर आता है या फिलहाल आने वाला समय बताएगा, पर अभी तक की जो बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, हम आपको बता रहे हैं इस समय जो परिवार है गम में डूबा हुआ है। इसमें मैडम जी जी सर, इसमें सिर्फ जेएनके पुलिस का रोल नहीं है, पंजाब पुलिस, हरियाणा पुलिस और सभी को ज्वाइंट इन्वेस्टिगेशन करके बाकी जो वारदातें हैं इनके खिलाफ जो मुलजिम पकड़े गए हैं सब बहुत से निकलेंगे, बहुत से मर्डर केस निकलेंगे, डकैती के निकलेंगे, सब निकलेंगे, ये नहीं है एक नया, और सभी जगह का जो है ना ये ज्वाइंट इन्वेस्टिगेशन करके इनका पता चलेगा कि कहां कहां इन्होंने कितने पहले भी इन्होंने इस तरह की वारदात की है। ये जे एन के में तो ये इस पर्पज के लिए जहाँ वारदात की है सिर्फ नहीं आए, कोई और पर्पज था जो कि इन्वेस्टिगेशन से पता चलेगा, क्योंकि इसके सिर्फ ये तो उनको एक उनको चाहिए थी, इसकी लिफ्ट चाहिए थी, गाड़ी तो ए लिया उन्होंने, बाकी इसके साथ साथ और थी और किस एसोसिएशन किन के साथ है, कोई गैंग के साथ है वो पता चलेगा। पंजाब हरियाणा पुलिस की ज्वाइंट इन्वेस्टिगेशन करके और उससे जैसे जो निकलता है फिर पता चलेगा। बिल्कुल। फिलहाल तो मुझे लगा है पंजाब पुलिस एसएसपी मंगल सिंह पूरी साहब डीजी हरियाणा के इन्होंने काफी इनिशिएटिव लिया, जब मैंने फोन किया तो काफी इनिशिएटिव लिया, सब जगह कंट्रोल रूम में तो उसी वक्त मैसेज जो मैंने इनको फॉरवर्ड किया था व्हाट्सएप मैसेज सब जगह दे दिया कि ये है और वो उसके बाद काफी हेल्प हुई उसकी वजह से जब पकड़े गए। गाड़ी का भी उन्होंने बहुत ध्यान रखा, हर जगह रखा, लेकिन अभी इन्वेस्टिगेशन बहुत डीपली करने की जरूरत है तीनों पुलिस की, जे एन के वो है बाकी जो है ना पता चल जाएगा अभी इन्वेस्टिगेशन। ये बड़ा ही दुर्भाग्यपूर्ण है जिस तरह सर ने कहा, बिल्कुल सही कहा, ये बड़ी कड़ियां खुल सकती हैं इसमें कि उसका किसी और मंशा से वो आए होंगे यहाँ पर एक बड़ी घटना को जिसे हत्थे चढ़ गए मंगल सिंह जी, दुर्भाग्यपूर्ण उनकी जान चली गई। ये जड़ी घटना हुई है बड़ी निक्की बड़ी गल नहीं है, बड़ी बड़ी गल साढ़े जम्मू के लोगों वास्ते, जे एंड के वास्ते। मैं ते मंगल सिंह एक रखड़ी का त्यौहार हा, वो इतों गया घर जल गया तो सीधा कट गया, उन्हें सवारी लवाई है उतों घर आए, फोन बार बार आ रहे, वो सिस्टर करा दी घर आली करा दी कि अज रखड़ी है थोड़ी जल्दी, उन्हें आख्या मैं सवारियां लभी आई हैं ना, मैं उतों लदी आ दा, जल्द टूल पर आया उन्हें फोन किया तुम तैयार हो मैं आ दा, उसके बाद फोन स्विच हो गया, बाकी जल्द फोन स्विच होया उन्हें घर आली ने अपने निके भाई सनाया होना, वो बाकी रिश्तेदार सनाया भाई, बाद घंटे बाद दो घंटे बाद सारे दौड़े, दौड़ने के बावजूद पुलिस की सनाया पहले गरोटे गई, गरोटे आलें आखिया नगोटे आलें सनाओ वो ने भी, बाकी फिर जल्द नगोटे गए नगोटा पुलिस जरा एस एच ओ साहब लगे दिन, मैं तो उन्हेंगी जम्मू कश्मीर की पुलिस की सरूर करना, उन्हें पंज दिन बिल्कुल साढ़े कन्ने बराबर चलते रहे, वो अपना मोबाइल बंद नहीं किया, उन्हें आख्या बंदा जिंदा लभना चाहिए, मैं गड्डी तो तुप्पी लेदी है फिक्र नहीं करो, उन्हें हौसला दिता, हाँ साढ़े चाचे का मुड़ा हो, साड़ा भरा हा, साड़ियाँ बाहां ही बह तो साड़ी भजी ही है, मगर जोड़ा है जम्मू कश्मीर
ऐसी घटना करने वाले बारे लोग इदा असें बचा करना होगा असें लोकें एह गौरमेंट ने भी दिखना होगा बाकी पुलिस ने मैं तो जम्मू कश्मीर की पुलिस की बहुत शुक्रिया अदा करना जिन्ना उन्हें काम किया ये नहीं अं बाडी लभनी नहीं गड्डी लभनी नहीं गुंडे लभने फिर भी जल्द उठे जाइए फगड़े न पुलिस कन्नै भी उन्हें फायरिंग की है पुलिस कन्नै भी उनकी हथवाई हुई फिर गड्डी पुठी एस एच ओ प्रवेश जिहड़ा नगरोटे का वो कन्नै उन्हें भी लगी दी है फायरिंग उनका नैटवर्क जिहड़ा पूरे हिंदुस्तान जे एंड के एक उसी गौरमेंट ने अवार्ड देना चाहिए नहीं एस एच ओ भी जे एंड के पुलिस का जिन्हें ना रखिया वो एक माई का लाल एक एस एच ओ नहीं है वो कोई योद है साड़ी अज नहीं उन्हें पहले भी दो चार केस ऐसे सॉल्व किए साढ़े जेदे अज भी साढ़े जागत अंदरों नहीं अगर बड़ा विश्वास तो बाकी मैं अपने लोगों ना जे सा दस ग्रां ने पलौड़े को लिया गौर तकर ये रात में सुते चाहे वह बुजुर्ग हा चाहे वह कुछ भी कास्ट का बंदा रोटी पानी नहीं खाधा उन्हें लोगों अज वो घर आई है उसी कोई साधन नहीं है बच्चिया उन्हें कुछ दो बच्चिया कोई नौकरी नहीं है कोई गड्डी लाता तो अपना बाजार गुजार करता हा दो कुड़ियां जिमीदार लोग हाँ कंढी इलाका है साड़ा मैं गौरमेंट अगें भी गवर्नर साहब अगें भी अपील करना उन्हें बच्चिया बाकी भी ख्याल रखियो कोई ना कोई उसी घर चलिए बाकी मैं मीडिया का बड़ा बड़ा शुक्रिया करना जिन्ना भी जम्मू का मीडिया मीडिया के माध्यम कन्नै साड़ी खबर जी है पूरे हिंदुस्तान आल इंडिया ही पुजी हुई है वर्ल्ड में पुजी हुई ता सा बच्चा साड़ा भरा अज वो जानकारी लभी है ये मीडिया संयोग और पुलिस का संयोग प्रवेश साहब का जे एंड के पुलिस का आई जी का डी जी का एसपी साहब का मैं बहुत बहुत धन्यवाद मैं उन्हें इन बारे सलूट करा इन बारे जय हिंद ये जनता का विश्वास है जम्मू कश्मीर पुलिस पर अच्छा कार्य करेगी वो भी इसके लिए जनता हमारी उन्हें सर आंखों पर बैठाती है पर दुर्भाग्यपूर्ण घटना है भाई क्या कहना चाहेंगे ड्राइवर आज तो ड्राइवर भी डरते होंगे जिस तरह से उनका किसान एक गैंग के द्वारा अपहरण किया गया उन्हें मार दिया गया फिर हरियाणा हमारी हरियाणा जम्मू कश्मीर पुलिस ने तीव्रता दिखाई उन्हें पकड़ा ना जाने कौन सी कड़ियां और निकल कर सामने आएंगी पर आज ड्राइवर तब्दी की बात करें तो इस घटना के बाद काफी डर सहम गए होंगे पहले तो आपका शुक्रिया मैडम जी ये जो ड्राइवर था मंगल सिंह ये हमारी यूनियन से चलता था जम्मू ऑल इंडिया टैक्सी यूनियन ये अम्फले से चलती थी गाड़ी ये रक्षाबंधन के दिन ये गाड़ी गई कटरा में कोई 12 बजे जो कि ड्राइवर उससे पता चला कि ये 12 बजे उधर उसको सवारी मिली स्टेशन के लिए और ये कोई डेढ़ या सवा एक बजे इसने फ़ोन किया घर पे ड्राइवर मंगल सिंह ने अपनी वाइफ को कि रक्षाबंधन है मैं आ रहा हूँ मैं आधे घंटे में घर पहुँच जाऊँगा राखी बंधवानी है तो 1:30 बजे के बाद जो हमें सारे सूत्रों से पता चला कि इसका फोन स्विच ऑफ हो गया उसके बाद फिर इनका भाई है प्रवीण सिंह उनकी वाइफ ने प्रवीण सिंह को फ़ोन किया कि क्या मसला क्या है उसने फिर ड्राइवर तबकों को फ़ोन किया फिर सारे अलर्ट हो गए हर बंदा अपना सोर्स लगाने लगा तो आज आके शाम को पता चला कि गाड़ी लखनपुर टोल पास की है उधर विजुअल मिली है लखनपुर टोल से और गाड़ी कोई और चला रहा है फिर उस दिन से ही आपको पता है बातचीत का दौर जारी शुरू हो गया कोई कहता है पंजाब में है कोई कहता है उधर फिर हमारे जूनियर के ड्राइवर सारे अपने अपने जो सोर्सेज से ढूंढने शुरू हो गए तो फिर ये कल ये बहुत मंदभागी बात पता चली हमें शाम को गए मंगल सिंह जी सुनी सर यानी मंगल सर के वहाँ पे बजालता में जंगलों में पहले से उन्होंने इनको जम्मू में ही इन्होंने जो हमें पता चला इधर से क्रॉस करने के बाद उसको कोई वो एक ड्राइवर उतरा वो कोई बाथरूम के लिए गया बाथरूम से वापस आया कोई कहते हैं उसने वो कोई गमछा सा डाला था उससे उसका गला दबा के उसकी मृत्यु होगी तो बहुत ही मदभागी बात है तो मोदी साहब कहते हैं कि जम्मू में J&K में टूरिस्ट बहुत हुआ अगर हमारा ड्राइवर ही नहीं सेव होगा तो टूरिस्ट कहाँ से आएगा क्योंकि ये भी जो हमने देखे विजुअल जो आए हैं CCTV जो फुटेज आई हुई तो बाहर के लोग हैं और हमारी जम्मू पुलिस धड़ल्ले से यहाँ पहुँच रहे धड़ल्ले से जा रहे हैं कोई पूछ मांग नहीं जो कुछ चोरियां हो रही हैं कत्ल हो रहे हैं लगातार वारदातें हो रही बहुत कहाँ सेफ है ड्राइवर आ जाए सेफ नहीं है हमारा जम्मू
जम्मू का जो पहले मंदिरों का शहर होता था, बहुत शरीफ लोग थे, हर शरीफ लोग थे, ड्राइवरों को इतने भरोसा करते थे बाहर के लोग कि ड्राइवरों के साथ उनके फैमिली रिलेशन बन गए थे। ये हमें ये ड्राइवर तबका, ये 20-30 साल हो गए इन्हें गाड़ी चलाते, ये हमारे सारे ड्राइवर हैं, ये भाई है। अब इधर जम्मू में कौन ड्राइवर की सेफ्टी की कौन जिम्मेवारी लेगा? कटरे में जो एजेंट सिस्टम है, मैं तो उसको पूरा खामियाजा उसके सिर पे फोड़ता हूँ, क्योंकि उधर जो नाई है, दाढ़ी करने वाला वो भी एजेंट है, बूट पॉलिश करने वाला वो भी एजेंट है, जो फ्रूट का रेडी फ्रूट बेचता है वो भी एजेंट है, चाय बेचने वाला वो भी एजेंट है। तो अगर हम ट्रांसपेरेंसी से उधर काम नहीं होगा एजेंट सिस्टम का, तो किसको आज ये जाएंगे, इनको कोई गाड़ी भेजेगा फ्रूट बेचने वाला, कल वो रेडी नहीं लगाएगा तो कैसे पता चलेगा किसने भेजिए किसने? मैं जो मुख्य कारण जो हमें लगता है, जो उधर कटरा में जो एजेंट सिस्टम है, उधर पंडा वो दाढ़ी बेचने फ्रूट बेचने वाला बूट पॉलिश करने वाला उधर हर बंदा एजेंट है। आपके माध्यम से मैं एडमिनिस्ट्रेशन से यही अपील करता हूँ कि कटरा में जो एजेंट सिस्टम है उसको ठीक किया जाए। गवर्नमेंट से यही अपील करते हैं कि लाइसेंस हर बंदे का एजेंट का चेक करके आगे उधर काम करना चाहिए। और वो जो बाकी रही जे एंड के पुलिस की बात, सजाद परवेज साहब ने एक मिसाल दौर काम किया है। अगर हम ये मानते हैं कि अगर परवेज साहब उधर नहीं SHO होते तो ये मसला अभी तक हल नहीं होता। उन्होंने बहुत ही अच्छा काम किया, योग्यतापूर्ण काम किया उन्होंने। मेरी एडमिनिस्ट्रेशन से दरख्वास्त है, JNK की एडमिनिस्ट्रेशन और सेंट्रल गवर्नमेंट की एडमिनिस्ट्रेशन से, कि बच्चियां दो, एक 14 साल की है, एक 11 साल की है, इनका कोई जरिया नहीं है आगे बढ़ने का, और इसके लिए स्पेशल कोई पैकेज करके तो इनको ये जो है आगे पढ़ाई के लिए उसके लिए इंतजाम किया जाए। दो बच्चियां हैं और कोई नहीं है। तो दूसरे नंबर पर ये बात है कि ये जो जितने भी ड्राइवर पेशा हैं और जो भी ट्रैवल करते हैं, इनकी हर स्टेशन पर, मैं ये अमित शाह जी से ये कहूँगा कि ऑल ओवर द इंडिया में ये मैकेनिज्म बनना चाहिए कि फोटोग्राफी होनी चाहिए हर एक टूरिस्ट की, हर एक बंदा जो JNK में एंट्री करता है यहाँ भी फोटोग्राफी होनी चाहिए, लखनपुर में जैसे पहले होती ऐसे फिर भी होनी चाहिए, और हर स्टेशन से जब कोई गाड़ी पर बैठता है, चाहे वो कोई किसी किस्म की है, उसकी फोटोग्राफी। आप इस समय देख रहे हैं यहाँ की तस्वीरें, इसमें गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के मार्चरी रूम में, जहाँ पर एक जो है मंगल सिंह जो ड्राइवर थे, नवा ड्राइवर के इसमें। सर जी, तुसी भी ड्राइवर हो, तुहाड़े को पूछना चाहवांगे इहो जिहे लोकां से, जिहड़े साडा जम्मू एक बड़ा शांति प्रिय इलाका ही, तुसी भी राती निकलदे सी, असीं भी राती निकलदे सी, साडा जम्मू सारे कदी कोई टेंशन नहीं हुई, पर हुण ऐसा समय आ चुके दा घरों निकल तो पहले सोचना पैंदा कि किस टाइम निकलिए, वापस आंगे नहीं आंगे। खास करके घटना जिहड़ी हुई है, इस घटना ने हिला के रख दिता पूरे ड्राइवर तबके नूं, बल्कि पूरे जम्मू नूं, कि अगर एक बाहर दे लोग आके, गैंग आके एक ड्राइवर दा अपहरण करदे आ, उहदे बाद उहदा मर्डर कर देंदे ने, और गड्डी जाके हरियाणा नूं मिलदी है, अगर पुलिस तीवर कार्रवाई नहीं करदी शायद इंदी बॉडी भी ना मिले। मैडम, सब तो पहला तो मैं शुक्रिया अदा करांगा अपने जम्मू कश्मीर दी मीडिया दा, और दूसरा नंबर पुलिस प्रशासन दा। इन्होंने बहुत वड्डा काम किया है साडे भरा दी डेड बॉडी लभण वास्ते, जां इस केस नूं सॉल्व करन वास्ते। इन्हां दी मिसाल एक मैं कायम होनी चाहीदी है कि जो है, बाकी साडी नाल जो वारदात होई है साडे भरा नाल होई है, असी उहदा बयान नहीं कर सकते, लेकिन अगे अपील करांगे तुहाडे मीडिया दे राहीं, प्रशासन नूं अपील करांगे कि साडे वास्ते कोई ऐसे कदम चुके जाण ताकि अगे तों होर कोई मंगल सिंह ना मर सके। यहाँ के प्रशासन से भी निवेदन है कि अब आज ड्राइवर तबका भी कहीं ना कहीं डर के माहौल में है, इनके लिए ऐसा मैकेनिज्म बनाना चाहिए ताकि हर टोल प्रजा पर भी इनकी गाड़ियां जाएं, वहां पर फोटोग्राफी होनी चाहिए ताकि इन लोगों का आता पता लग सके, क्योंकि जिस तरह से मंगल सिंह जी का अपहरण किया गया और उसके बाद उनकी हत्या कर दी, जिसने पूरे जम्मू को हिला कर रख दिया, अगर आज के दौर में ड्राइवर की सेफ्टी का कोई प्रावधान नहीं है, ड्राइवर सेफ नहीं, तो खुद सोचिए आम जनता का क्या होगा। आए दिन जम्मू में इस तरह की वारदातें, मर्डर की केसेस, रेप की वारदातें, चोरी की वार्ते, इसका एक ही एस्पेक्ट जो जनता बता रही है कि धारा 370 और 35 को अब्रोगेट किया, उसमें कई लोगों को उनका अधिकार मिला। अगर गोरखा समाज की बात करें, वाल्मीकि समाज की, पीओके रेफ्यूजीज की बात करें, पर वहीं की अगर बात करें कि जम्मू के जो डोगरे हैं उन्हें क्या मिला, यानी लगातार आए दिन आप देखते चोरियों की, दुकानों में चोरियां, मंदिरों में चोरियां, घरों में चोरियां,
हैं, लोग अपने घरों से बाहर निकलने से डरते हैं कि घर आएंगे वहाँ पर उनकी मेहनत की कमाई उड़ाकर चोर ले जाएंगे। बात करें मर्डर केसेस की, रात को निकलने से भी लोग डरते, पर वहीं पर अगर एक बात करें जम्मू कश्मीर पुलिस की, तो इस केस में जो SHO नगरोटा है सज्जाद परवेज, उनका एक बड़ा ही अहम योगदान रहा। उनकी मेहनत से और SP जो रूरल है ब्रिजेश शर्मा के नेतृत्व में इस पूरी टीम ने इतना बढ़िया काम किया कि विद इन कुछ ही घंटों के अंदर उन आरोपियों को, उन गुरुग्रहों को दबोचा है। ना जाने किस मंशा से किस और बड़ी घटना को अंजाम देने आए थे, ना जाने कितने लोगों की और जान जानी थी जिसकी बलि जो मंगल सिंह जी चढ़ गए और उनके हत्थे चढ़ गए, जिनकी जान चली गई। एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना उस परिवार के लिए, जिस परिवार के ब्रेड अर्नर थे जो कि मंगल सिंह जी, उनकी दो बेटियां, उनकी पत्नी है, किस तरह से उनका परिवार चलेगा। यहां से एडमिनिस्ट्रेशन से यही गुहार लगा रहे हैं कि कम से कम उनके परिवार को कंपनसेट दिया जाए ताकि वो दो वक्त की रोटी को मोहताज ना हो। फिलहाल ये दुखद समाचार हम बता रहे हैं जम्मू से, जहां पर एक ड्राइवर की अपहरण करने के बाद उसकी निर्मम हत्या कर दी गई, पर पुलिस ने पूरे गिरोह को गिरफ्तार किया है। ऐसे लोगों के ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए ताकि दूसरे लोगों को जो जम्मू में आकर खुलेआम धड़ल्ले से अपराध करने में संकोच नहीं करते, उन्हें इबरतनाक सजा, उन्हें इबरतनाक सबक मिले। फिलहाल एक दुखद समाचार है, आप भी लिखिएगा, हम भी प्रार्थना करते हैं भगवान मंगल सिंह जी की आत्मा को शांति दे, उनके परिवार को इस गम से लड़ने की शक्ति और ताकत दे। जुड़े रहिए।